so in the last class we discussed uh, potential energy of a body which is uh, on the earth surface or near the earth surface and the expression for potential energy of a body on the earth surface or you can say near the earth surface was this u equal to minus g m m by r plus h where h is the height of the object from the earth surface but generally what happens since r is much much greater than h then the potential energy of the object near earth surface and at the earth surface are approximately same therefore potential energy of the mass body

पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जैसा कि पहले भी कहा है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब तक हम साइंस पढ़ते रहेंगे तब तक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा तो इसी से रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज से उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पोटेंशियल एनर्जी जब नेगेटिव है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी तो इसका क्या मतलब होता है और पोटेंशियल एनर्जी जब पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये इंडिकेट करती है इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं बल्कि टोटल एनर्जी कहना चाहिए ऑब्जेक्ट क्योंकि सरफेस पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो इसकी जो भी टोटल एनर्जी है इफ वी राइट टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन दिस केस विन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सर्फेस इट इज जस्ट प्लेस्ड ऑन द सर्फेस तो टोटल एनर्जी ऐसे तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बट इस केस में काइनेटिक एनर्जी है नहीं जीरो है तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये जो अभी एक बात बोलने वाले हैं इंपॉर्टेंट बात है कि टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो क्या होगा और टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा ठीक है तो नेगेटिव टोटल एनर्जी का मतलब है कि जो सिस्टम है सिस्टम इज़ स्टेबल सिस्टम स्टेबल होता है और अगर पॉजिटिव टोटल एनर्जी है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है ठीक है अनस्टेबल यानी कि ये इसका हम लोग पहले भी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर चुके हैं भले ही ये स्टेटमेंट ना बोला गया हो स्टेबिलिटी के बारे में जब सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है तो वो स्टेबल होता है और जब पॉजिटिव होती है तो अनस्टेबल इसको ऐसे समझ सकते हैं सपोज ये हमारे पास एक डस्टर है इसको हम जब अर्थ सरफेस से ऊपर उठाते हैं तो इसकी एनर्जी मोशन में नहीं है ऊपर उठा के हमने रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें कुछ है और अगर हम इस डस्टर को छोड़ देते हैं इफ़ वी ड्रॉप द डस्टर अगर छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है नीचे की तरफ जाने से क्या होगा हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का वो वाला एक्सप्रेशन भी अगर यूज़ करें नाइन क्लास वाला भी तो भी समझ में आ जाता है एम जी एच एच डिक्रीज होता है तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाता है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती है ठीक है इनफैक्ट यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही टोटल एनर्जी की हो रही है बट सिंस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी व्हेन यू आर होल्डिंग दिस डस्टर तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्यों जाते हैं ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाने का रीज़न है कि सभी ऑब्जेक्ट सभी ऑब्जेक्ट अपनी टोटल एनर्जी को कम से कम करना चाहते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें जब ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होते हैं जब उनकी एनर्जी कम होती है तो वो स्टेबल होते हैं जैसे जैसे एनर्जी कम होती जाएगी ऑब्जेक्ट्स की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव एनर्जी हो जाने से वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे ठीक है इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं एनर्जी और फोर्स का जो रिलेशन हमने निकाला था एफिक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू याद है ना कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ा था साथ में पढ़ा था तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस मान लो डी ओवर डी एक्स है एक्स डायरेक्शन में अगर फोर्स था तो डी ओवर डी एक्स लिखेंगे तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी डिक्रीज होती है उस डायरेक्शन में फ़ोर्स होता है ये हमने अभी ग्रेविटेशन वाले एग्जाम्पल में भी देखा इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखा है एनर्जी किस डायरेक्शन में डिक्रीज़ होगी नीचे की तरफ एम जी एच ऊपर ले जाने से एनर्जी बढ़ती है नीचे ले जाने से एनर्जी घटती है तो नीचे की तरफ ले जाने से एनर्जी घट रही है और नीचे की ही तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है तो ये रिलेशन यही एक्सप्रेस करता है कि जिस डायरेक्शन में एनर्जी घटेगी वही डायरेक्शन फोर्स का होगा ठीक है एक बात तो ये और दूसरी बात ये भी है ऑब्जेक्ट मान लो ये एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है सारे बातों के लिए यही एग्जैक्टली ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है बट एक चीज़ कॉमन है जब एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है ये ऑब्जेक्ट जब नीचे चला जाएगा अर्थ सरफेस पे जाके रुक जाएगा तो वहाँ पर ये स्टेबल हो जाएगा अर्थ सरफेस पे पड़ा हुआ कोई डस्टर या पत्थर वहाँ जा कर के स्टेबल हो जाता है लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठाओगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है तो तुम्हें क्या बात याद रखनी है कि एनर्जी अगर नेगेटिव है तो सिस्टम स्टेबल रहता है एनर्जी अगर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल रहता है ठीक है तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है तो इसकी जो भी टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है ठीक है और यहाँ हमने कैलकुलेट करके देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी आ रही है नेगेटिव तो नेगेटिव एनर्जी का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है ये जहाँ पर भी रखा हुआ है ये अपनी पोजिशन में स्टेबल है तो अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें अनस्टेबल करना है तो कम से कम कितनी एनर्जी हमें चाहिए यानी कि ऑब्जेक्ट और अर्थ का जो सिस्टम है वो स्टेबल है इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड स्टेबल कब होगा जब ये ऑब्जेक्ट बाउंडेड होगा अर्थ सरफेस पर रखे रहने के लिए ठीक है तो नेगेटिव यू इंडिकेट्स नेगेटिव यू इंडिकेट्स और ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू स्टे ऑन द अर्थ सरफेस ठीक है अर्थ सरफेस पर रहने के लिए ऑब्जेक्ट बाउंड है क्योंकि इसकी एनर्जी नेगेटिव है अरे ऐसे समझ लो एक याद रखने वाला तरीका है बट उसको एग्जाम में नहीं लिखना मान लो कि कोई बंदा बीमार हो गया बीमार होने से क्या होता है बॉडी की एनर्जी कम हो जाती है वीकनेस आ जाती है तो वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है ठीक है हॉस्पिटल में आदमी पड़ा है उसमें एनर्जी है ही नहीं चलने के लिए तो मान मान लो कि ज़ीरो एनर्जी होता नहीं है बट ऐसे ही समझने के लिए जस्ट जस फॉर अंडरस्टैंडिंग आदमी हॉस्पिटल में पड़ा है उसको वीकनेस है उसको एनर्जी नहीं है तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और वही उसको इंस्टेंट एनर्जी वाला इंजेक्शन लगा दो या उसको कोई ग्लूकोन डी पिला दिया मान लो दो तीन गिलास तो क्या हो जाएगा इंस्टेंट एनर्जी की वजह से उस आदमी में एनर्जी आ जाएगी और अब वो बेड पर पड़ा नहीं रहेगा वो इधर उधर घूमने लगेगा ज़्यादा एनर्जी आ गई तो दो चार को ठोक भी देगा मार कटाई भी चालू कर देगा ठीक है तो वैसे ही अगर ऑब्जेक्ट्स की एनर्जी कम है तो वो स्टेबल होते हैं नेगेटिव है तो वो सिस्टम बाउंडेड हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर पड़े रहने के लिए बाउंडेड है वहीं पे पड़ा रहेगा लेकिन अगर हम इस बॉडी को इतनी एनर्जी दे दें कि टोटल एनर्जी इसकी नेगेटिव से ज़ीरो हो जाए ठीक है और ज़्यादा एनर्जी दे दो तो दे दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी होने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ रहने के लिए स्टेबल नहीं होगा ये अर्थ सरफेस को छोड़कर चला जाएगा ठीक है तो इस काम के लिए ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे स्टेबल ना रहे मोशन में आ जाए तो इसके लिए कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए तो कम से कम टोटल एनर्जी उसके लिए होनी चाहिए जीरो अगर जीरो से ज़्यादा होगी पॉजिटिव होगी तो तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रहेगा अर्थ सरफेस को छोड़ के चला जाएगा ठीक है तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस बॉडी टू लीव द अर्थ सरफेस मिनिमम एनर्जी की बात हो रही तो मिनिमम एनर्जी कितनी होनी चाहिए जिससे कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाए ठीक है फॉर द ऑब्जेक्ट टू लीव द अर्थ सरफेस अर्थ सरफेस को ये ऑब्जेक्ट छोड़ के चला जाए उसके लिए टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो और टोटल एनर्जी होती क्या है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ये ज़ीरो होना चाहिए इनका सम होना चाहिए जीरो यानी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितनी पोटेंशियल एनर्जी है विद नेगेटिव साइन एंड पोटेंशियल एनर्जी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड माइनस जी एम एम बाय कैपिटल आर दिस मच पोटेंशियल एनर्जी द ऑब्जेक्ट हैज़ वेन इट इज ऑन द अर्थ सर्फेस तो अगर इतनी ही काइनेटिक एनर्जी दे दी जाए इस मैग्नीट्यूड की तो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को कुछ स्पीड दिया जाता है एम मास का ऑब्जेक्ट था तो स्पीड हमने वी दिया तो कितनी कानेटिक एनर्जी हो जाएगी वन बाई टू एम वी स्क्वायर अगर हम इस इक्वेशन में m को डिवाइड कर दें और v स्क्वायर की वैल्यू देखें तो वो आती है कितनी टू जी एम बाय आर ठीक है और थोड़ा सॉल्व करें अगर जी एम को लिखें जी एम बाई आर स्क्वायर ज़रा याद करो ये रिलेशन था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी यहाँ से अगर जी एम की वैल्यू लिखें तो क्या आ जाती है जी आर स्क्वायर तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे लिख देते हैं जी आर स्क्वायर बाय आर तो हमें क्या मिलता है टू जी आर ठीक है तो ये जो स्पीड है ये कौन सी स्पीड है ये वो स्पीड है जिससे कि बॉडी में इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाए कि पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐड करने पर टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए और टोटल एनर्जी जीरो ज़ीरो होने से ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस को लीव कर सकता है यानी वहाँ से बचकर जा सकता है किससे बचकर जा सकता है इसको यहाँ बांध के रखा हुआ है किसने अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल ने अर्थ के ग्रेविटेशन पुल ने इसको बांध के रखा है इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो रही थी माइनस जी एम एम बाई आर लेकिन हर इस ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड दे दें कि काइनेटिक एनर्जी हो जाए के इक्वल टू तो माइनस यू तो, तो, तो टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो क्योंकि ये एनर्जी इतनी स्पीड की वजह से आई है जिससे ये ऑब्जेक्ट अर्थ सर्फेस को छोड़ सकता है इसीलिए इस स्पीड को ये जो वी स्क्वायर है इससे हम वी निकालेंगे इस स्पीड को कहा जाता है एस्केप स्पीड ठीक है इनफैक्ट ये स्पीड है बट इसका नाम ज्यादा पॉपुलर हो गया एस्केप वेलोसिटी सो एस्केप वेलोसिटी इसको कहेंगे लेकिन याद रखेंगे ये स्पीड है v इक्वल टू रूट टू जी आर यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर पड़ा हुआ है तो उसको अगर इतनी स्पीड दे दी जाए तो ये ऑब्जेक्ट सरफेस को लीव करके चला जाएगा जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको एस्केप करके चला जाएगा ठीक है तो कितनी आ गई स्केप स्पीड टू जी आर अब जरा ध्यान से देखो ये क्या सिर्फ अर्थ के लिए ही सही है ऐसा नहीं है ये किसी भी प्लेनेट या किसी भी बड़े मास के ऑब्जेक्ट जो स्पेस में हैं उन सब के लिए सही है ठीक है बिकॉज ये जो जी है जी का मतलब है एक्सल्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू क्या होती है जी एम बाय आर स्क्वायर ये वैल्यू होती है तो ये सिर्फ अर्थ के लिए सही नहीं है कोई भी प्लानिट हो सभी के लिए सही है यहाँ पर उस प्लानेट का मास लिखेंगे या उस प्लानेट का रेडियस लिखेंगे और कैपिटल जी तो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है सबके लिए सही है तो उस प्लानट के लिए स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी और उस प्लानिट के लिए रेडियस क्या होगा वो भी पता अगर हो तो हम उस प्लानिट पर कितना एस्केप स्पीड चाहिए ये पता लगा सकते हैं ठीक है तो हर प्लैनट पर एस्केप स्पीड सेम नहीं होता है ये उस प्लैनट के मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है ठीक है तो अर्थ के लिए अगर अर्थ का मास और अर्थ का रेडियस इस फार्मूला में सब्सिट्यूट करते हैं तो अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट्स को एस्केप करने के लिए कितनी स्पीड चाहिए ये हमें पता चल जाता है और एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ देखें ऑब्जेक्ट का मास इस फार्मूला में कहीं पे नहीं आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट कितने भी मास का हो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए स्केप स्पीड सेम होगी एक पर्टिकुलर प्लानट पर तो अर्थ के लिए अगर इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं एस्केप स्पीड की तो अर्थ के लिए स्केप स्पीड आती है v इक्वल टू इलेवन किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है इतनी स्पीड आती है अगर एक सेकेंड में 11 किलो 11.2 किलोमीटर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो उसको इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाए तो ये है एस्केप स्पीड ऑन अर्थ